अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज है जुम्मा, रबीउल अव्वल का दूसरा जुम्मा। मैं पहले जुम्मा को कुछ शूट नहीं कर पाई, आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं भी आपको याद करूँगी इंशाल्लाह दुआओं में आप। तो आज मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की हूँ। उसका रीज़न ये है कि हम लोग बैक टू बैक पिछले 15 दिन से हॉस्पिटल डॉक्टर्स 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 ही हो रहा है, और इतना हो गया है कि कम से कम 7 से 8 डॉक्टर हमारे चेंज हो गए। क्योंकि पहले तो मुझे ही पैर का इशू थोड़ा सा था, लेग का प्रॉब्लम, तो वो अभी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था पेन वगैरह, तो उसके लिए भी मैं डॉक्टर के पास गई थी। फिर मेरे चश्मे का नंबर ज़्यादा नहीं है, 1.8, फिर भी मैंने बोली दिखा देना चाहिए, वरना वो कैटरिक आइस वगैरह आगे जाके हो जाती है, तो अभी से थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड तो बैक टू बैक उनके तो इतना प्रॉब्लम हो गई थी कि लाइक उनके बैक पेन में प्रॉब्लम था एंड ऑल। तो वो कम से कम हम लोग ने 5 से 6 डॉक्टर हम लोग के हो गए दिखा के, और सबसे दवा हम लोग की चालू ही है। हर सैटरडे संडे हम लोग डॉक्टर्स के पास ही जा रहे हैं। अब ये रिसेंट का जो 2 दिन था, सैटरडे संडे, फ्राइडे से तो मैं कल्याण गई थी, और उसके बाद मेरी चश्मा भी आ गया है, मेरी दवाइयाँ भी चालू है, और एक अभी आयुर्वेदिक की भी चालू है हम लोगों की दवा। एंड हम लोगों का वॉशिंग मशीन जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताई थी हम लोग ने लिए थे, उसका भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि हम लोग ने पहले वॉशिंग मशीन बुक किए थे तो हम लोग ने उसको कैंसिल कर दिए थे, बट हमने उनको 24 आवर्स के अंदर अपडेट भी दे दिए थे, लेकिन उन लोगों ने वहाँ से कैंसिल नहीं किए। तो हम लोग को 2 वॉशिंग मशीन का EMI जा रहा है। हम लोग हर चीज़ पहले से EMI बेस पे ही लेते हैं, 90% हम लोग EMI पे ही लेते हैं हर चीज़ें, तो हर महीने सैलरी में से पैसा कट जाता है। बट इस बार 2 EMI का मतलब 2 ये गया है, 2 मशीन का, जो प्रोडक्ट हमने लिए नहीं उसका भी क्रोमा से, और एक जो हमने लिए उसका तो ठीक है, उसका तो हमें भरना ही है, लेकिन एक जो नहीं लिए फ्रेंड्स उसका भी हम लोग को EMI कट रहा है। तो उस वजह से भी थोड़ा एक दो बार मॉल मतलब वो क्रोमा में जाके उनको बोलना पड़ा, ICIC में मेरे हस्बैंड चक्कर मारते हैं, तो लाइक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही है, तो मेरे को वीडियो बनाने नहीं मिल रहा है। तो तबीयत का तो इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि अभी भी माशाल्लाह अभी तो मैं कल्याण से ही तो अच्छी थी, 2-3 दिन से मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई, वो मुझे जाके खाली लानी थी, बट ठीक है वो भी जाने को मुझे नहीं हो रहा था। तो अभी मुझे 2 दिन से मुँह के अंदर छाला आ गया, तो मेरे को लगा ठीक हो जाएगा करके, बट वो ठीक नहीं हो के आज फ्राइडे तो आज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो देख लिया उसके लिए मेडिसिन, और ये मुंह के अंदर लगाने के लिए डॉक्टर ने दी है मुझे, तो देखते अभी उसको लगाऊंगी मैं अभी, क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, सिर्फ थोड़ा सा दांत घस के पानी पी हूँ। मैं कल मॉल गए थे तो मैंने थोड़ा सा वो क्या चोको लावा के खा ली थी, उसके वजह से मेरा ये टीथ भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर भी मैंने सुबह में नमाज़ पढ़ के यासीन पढ़ के सो गई थी, जब सो रही हूँ तो दर्द बंद हो रहा है, और जैसे ही उठ रही वैसे दर्द ज़बरदस्त वाला दर्द हो रहा है इस बार। तो अभी जाके मेरे हस्बैंड ने भी बोली जाके डॉक्टर को पहले दिखा दिए छाले का, तो मैं पहले जाके छाले का डॉक्टर के पास से जाके आई, और अभी आके नहावा के फ्रेश होके नमाज़ पढ़ के सब करके पहले अभी ब्रेड को हल्का सा रोस्ट की घी में और चाय के साथ में खाली, वो भी नहीं हो रहा था अंदर जल रहा है। तो माहिरा ने भी स्कूल से आके मुझे थोड़ा बर्फ़ थी बोली मम्मी लगाओ करके, सारे भी डॉक्टर के पास लेके गया, अभी ये जाके दवा भी लेके आया है, तब इसको लगाऊंगी अंदर तक बोली डॉक्टर ने, और अगर एक तो उसमें ठीक होता है तो अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, वरना फिर कल और एक डोज लेके आ जाऊँगी। तो बस यही रीज़न्स था नहीं बनाने का वीडियो काफ़ी टाइम से, क्योंकि बैक टू बैक मेरे और मेरे हस्बैंड के पीछे ही कुछ ना कुछ लगा हुआ ही है, और प्लस मेरे अब्बा भी बीच में बीमार हो गए, तो उनको भी मैं 2-3 दिन डॉक्टर के पास उनका एक्सरे निकालना उसमें भी बिजी हो गई थी, बिकॉज उनको पैर से बिल्कुल भी चलने को नहीं हो रहा फ्रेंड्स, और मेरे के कुछ पर्सनल काम भी थे उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादा बिजी हो गए थे। तो खैर इस वजह से ही कुछ अपडेट नहीं, कुछ मेरे ब्लॉग्स नहीं जा रहे, हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे, कहीं जाने का सोच रहे वो भी नहीं हो रहा है, बिकॉज डॉक्टर्स के इससे ही हम लोगों का फिनिश अप नहीं हो रहा है। बस अल्लाह बुरे लोगों से और बुरी नज़रें बस से बचा, क्योंकि हम लोग भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके अभी इस मुकाम पे पहुँचे, वो भी अभी और भी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोगों को जो 60s में हमारे को जॉइंट पेन होना चाहिए वो हमको 40s में हो रहा है अभी, क्योंकि लिए हम लोग ने इतना बच्चों को अपने संभाले करे, बचपन से अकेले ही सब करे है पेरेंटिंग, तो अभी हम लोग को एक सर्टन इसके बाद में ना इंसान को सब रियलाइज़ होता है कि अरे यार अभी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बट खैर अल्लाह हमारे साथ है। बस लोगों को यही बोलना है कि किसी के भी चीज़ को देख के इंसान ने ये नहीं फील करना चाहिए, आई डोंट नो
सब लोग तो अच्छे ही है, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फैमिली वाले, बट कुछ लोग होते हैं कि किसी की भी चीज़ों को देख के बहुत जलस फील करते हैं और ये करते कह रहे, लेकिन हम लोग कैसा करते हैं वो हम लोगों को ही पता है कि उसमें से चीज़ें निकाल के करना है। बाकी ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ में सब अच्छा ही चल रहा है, अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते और प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आते ही रहते हैं, तो कुछ होता है तो उस चीज़ को भी हम लोग, हो सकता है कि उसमें भी अल्लाह की कुछ भलाई हो, कि अपने कितने अपने हैं, कितने पराए हैं, कौन अपना है, बुरे वक्त में काम आने वाला, वो भी हमको समझ में आ ही जाता है। तो बस यही अपडेट आपको देनी थी कि मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी कि मैं ये ब्लॉग बना के ये करूँगी, क्योंकि अभी ईद मिलादुन्नबी भी नज़दीक है, तो मेरे घर की भी सफ़ाई उसमें मैं चालू कर दी थी। अब बीच में किचन का तो मैंने आपको बता दी पूरा हो गया, अभी बेडरूम का, हॉल का तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा फ्रेम्स वगैरह पोछ लिए थे, अभी मेरे को शोकेश और सोफ़ा, ये कल सैटरडे संडे एक है, तो बस थोड़े बहुत और काम है, कबाट वगैरह एसी सब साफ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलाद तक अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैंने रमज़ान में सफ़ाई की थी, फिर अभी डेली बेसिस पे तो होता ही है झाड़ू पट्टा, झाड़ू क्लीनिंग मॉपिंग वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इसी बहाने तीन तीन चार चार महीने से साफ़ सफ़ाई भी हो जाती है। एंड बस अभी यही बोलना था, और आगे का कुछ अपडेट रहेगा इंशाल्लाह तो मैं आपको बताऊंगी। बस हम सबको दुआ में याद रखिएगा, और बस सबके लिए अल्लाह ताला ने बोला है किसी के लिए अच्छा गुमान रखना भी एक सदका ज़रिया इबादत है, तो बस किसी के देख के किसी को भी अच्छा ही सोचो, बुरा किसी के बारे में मत सोचो। बस अल्लाह पाक हमको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, बुरी नज़रें वालों से बचाए, बुरे लोगों से बचाए जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। आई डोंट नो कौन है उसमें से, कोई एक हो सकता है, 10 में से कोई एक इंसान हो सकता है, जो रियली डोंट नो, बट ठीक है, अल्लाह पाक सब ऐसे लोगों से बचाए। और बस दुआ करो कि हम लोग को सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला, और अच्छे से रखे, उम्र में बरकतें अता फरमाए हम सब की और आप लोगों की भी, आप सब की भी कमाई में और उम्र में बरकत अता फरमाए अल्लाह पाक। और बस हम लोग को इसी तरह प्यार करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, और आगे का कुछ रहेगा इंशाल्लाह, कहीं जाना होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और बस तो इसी के साथ मैं अभी एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये मलम भी लगाना है, अभी आफ्टरऑल मैं अभी नॉर्मल हो गई थी, मेरे डॉक्टर मतलब 7-8 डॉक्टर से परेशान हो गए, लेकिन फिर अब वापस 8 डॉक्टर के पास जाने, तो ठीक है फिर मिलते हैं आपको वापस। तो फ्रेंड्स ये जब मैं कल्याण गई थी ना, तब मैं यशराज प्रॉपर्टीज़ में गई थी माहिरा को लेकर कल्याण में, क्योंकि ले ये यहाँ पे से जो मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे एक मैडम का, सेजल करके यहाँ पे एक जॉब करती है, तो उनके मुझे कंटिन्यूस कॉल आ रहे थे कि मैडम आप प्लीज़ आइए विज़िट करिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखने चले गए थे यशराज प्रॉपर्टीज़ में। बट वो मैम वो दिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज़ उनके घर पर गणपति बैठा था तो वो वहाँ पर नहीं थी, तो दूसरे मैडम और सर थे, उन्होंने हम लोगों को फ्लैट दिखाए, हम लोग सोचे वहीं पर मेरी फ्रेंड रहती है मीनास, तो हम लोग उनके भी घर पे जा रहे थे मिलने के लिए, तो सोचे चलो पहले ये रास्ते में ही हो रहा मिल रहा था ये जो टावर है, और इसके पीछे बाजू ही बैक साइड में मेरी फ्रेंड रहती है, तो हम लोग बोले चलो जा ही रहे तो पहले ये देख लेते, विज़िट कर लेते, और फिर हम लोग आगे और मेरी फ्रेंड के घर पे गए, वहाँ से हम लोग 10-15 मिनट बैठे और फिर हमारे घर चले गए। तो ये देखिए वहाँ का 1 BHK फ्लैट है जो मेन रोड पर है, अच्छी लगी प्रॉपर्टी, बट उसका जो प्राइसिंग उन्होंने बताया था उससे वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया, तो वो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि प्राइसिंग नहीं जम रहा था। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे आके देख रहे थे ऊपर टॉप पे कि अच्छा लग रहा है करके, व्यू वगैरह बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी हवा भी आ रही थी, और ये उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह एक सर थे वो हम लोग को दिखा रहे थे, उनके साथ एक मैडम भी थी। तो ये देखिए ये हमारे पूरा माउंटेन व्यू, हमारे कल्याण का हमारे घर तक का व्यू वहाँ से दिख रहा था जो हमारा घर है निवाली में। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग ने ईद मिलाद में चिराग रोशन किए हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही की हुई है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे घर का सब काम हो चुका है, और ये देखिए साफ़ सफाई भी आज सब डन हो गई है, और ये हमारे घर में भी सजावट हो गई है हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हो आप ईद मिलादुन्नबी का। और ये हमारी फ़िश टैंक, यहाँ पे भी माशाल्लाह आज सब फ़िश टैंक की भी सफाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा घर क्लीन हो गया है, सोफ़ा एंड ऑल सब मेरा काम टाइमिंग पे हो गया है माशाल्लाह से। Thank you.
हट जरा। ये मैंने खीर बनाने के लिए यहाँ पे 2 लीटर और यहाँ पे मैंने मैदा भी निकाल ली हूँ। सुबह के 7:30 हो रहे, जल्दी खीर पूरी बनाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने किशमिश भिगा दी हूँ, चावल भी भिगा दी हूँ और यहाँ पे चिरागी धो दी हूँ। 3 हो गया है, सब काम हो गया, अभी फटाफट से बनाते हैं। सारी तैयारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी मैंने काजू भी कटिंग कर ली हूँ, केसर, इलायची, बादाम पिस्ते, चावल अच्छे से भीग रहा है और किशमिश। और ये मैंने ले ली हूँ 1 वाटी मैदा, 1 वाटी गेहूँ का आटा और नमक। अभी मैं इसमें ये घी ऐड कर दूँगी गरम करके, दूध गरम हो चुका है। इसमें मैं अभी खीर बनाने के लिए लूँगी। आज थोड़ा काम फटाफट में हो रहा है क्योंकि लोग को सारिम को भी कॉलेज जाना है एज़ गवर्नमेंट रूल कि आज छुट्टी नहीं है और इनको भी ऑफिस जाना है। तो 18 तारीख को छुट्टी रहेगी और इंशाल्लाह सारिम का बर्थडे भी रहेगा वो दिन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के। मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ फटाफट से। मैंने बॉईल करने रख दिया, दूध अच्छे से गर्म हो गया। अभी मैं इसको छान के डाल दूँगी बिकॉज इसमें मलाई जम गई है। और ये मैंने इलायची और शक्कर को अच्छे से पीस ली हूँ और अभी शक्कर भी ले ली हूँ, फ्रेश शक्कर। ये चावल भी अच्छे से हो गया है, अब इसको मैं घोट रही हूँ ऐसे ही। और इसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मिक्सी में एक बार ही चला लेंगे थोड़ा सा और बारीक करने के लिए। अच्छे से छान ली और इसमें मलाई नहीं है, इस सारी मलाई इसमें निकल गई है स्ट्रेनर में। इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं क्योंकि अच्छे से बॉईल हो चुका है जो दूध की स्मेल होती है। और चावल भी थोड़ा ठंडा हो रहा है। अभी दूध में मैं ये जो मैंने ये केसर की रेशे ऐड की थी वो भी ऐड कर दूँगी। स्मेल दूध अच्छे से केसर मिक्स कर दी। अभी मैं इसमें इसके अंदर मैं शक्कर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले देखते हैं कितना मीठा हो रहा है, बाद में और ऐड कर देंगे। देखिए अच्छे से 1 से 2 बार मैंने ग्राइंड कर ली हूँ और अभी इसके अंदर डाल दी हूँ इसको। और अभी इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि पूरा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। बादाम पिस्ता और दूध और चावल एक साथ हो गए और शक्कर भी ऐड हो गई है। इसमें मैं काजू ऐड कर दूंगी। काजू भी ऐड हो गया है खीर के अंदर। इसको नीचे बिल्कुल भी लगने नहीं देना है वरना स्मेल ख़राब हो जाएगी खीर पूरी। इसके लिए अच्छे से कंटिन्यूसली इस पर मेहनत कर रही हूँ, हिलाते रहना है। अभी सबसे लास्ट में ये जो किशमिश मैंने भिगा के रखी थी मॉर्निंग से, देखिए अच्छे से हो गए हैं। तो इसको सबसे लास्ट में डालेंगे बिकॉज़ ये अंगूर का खट्टा रहता है ना, तो उससे दूध फटने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग इसको सबसे लास्ट में डालेंगे। और ये मेरे बच्चे लोग माशाल्लाह से दोनों किशमिश खाते हैं, इसलिए मैं किशमिश की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा डाली हूँ। और खीर में किशमिश और काजू जाता ही है, और शिरपुर में मैं शायद से नहीं जाए किशमिश, लेकिन इसमें जाता ही है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी इसमें मैं डाल दूंगी ये इलायची पाउडर और इसमें थोड़ा सा शक्कर ऐड करके मैंने मिक्स कर ली थी ताकि इसमें जो खुशबू है अभी आ जाए अच्छे से। कोई लोग रोज़ वाटर, कोई वो लोग केवरा एसेंस भी डाल सकते हैं, हम लोग इलायची डालते हैं। मेरी मम्मी पहले से इलायची डालते थे एंड
अभी ये जो फ्लावर्स है ये थोड़ा सा गुलाब की पत्ती थोड़ा सा ऐड कर देंगे ऊपर से, और बाद में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख दूँगी मैं। तो देखिए माशाल्लाह खीर हो चुकी है रेडी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज विलादत का दिन है, यौम विलादत का, सरकार की आमद मरहबा, उनके लिए आज खास खीर बनी है और अभी मैं पूरी बनाऊंगी। देखिए उसको मैंने थोड़ा ऑयल लगा के और अच्छे से मल ली, देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मैदा और गेहूँ का आटा मिक्स करके थोड़ा सा ऑयल डाली थी और घी भी डाली थी गर्म करके। ये मैदे का आटा ले ली हूँ और ये मेरा रेडी हो गया है अभी बनाने के लिए। और ये एक छोटी सी कढ़ाई ले ली, उसमें भी ऑयल ऐड कर दूँगी। छोटे छोटे बॉल्स बना ली, अंडे बना ली पेड़े के साइज़ में। आपको अगर चाहिए तो आप बड़ी रोटी बना के भी ऐसे वो कुछ बाटी वगैरह रख के भी उसका शेप दे सकते हो। और बाकी का आटा ऐसे मैंने बंद करके रखी। और ये जो आटा रहता है नॉर्मल आटे से थोड़ा ज़्यादा स्टिकी रहता है, देखो ऐसा स्टिकीनेस इसमें होना चाहिए। और तेल यहाँ पे गर्म हो रहा है और अभी मैं ये बेलने के लिए स्टार्ट करूँगी। ट्राई करती हूँ कि मैं बिना आटे के ही बेलूँ तो फिर है ना अच्छी वाली फूल जाती है, जो पूरी होती है वो अच्छे से फूलती है, वरना आटा लगाने से शायद फूलती नहीं। बट लेट मी ट्राई। बिना आटे के इसको अच्छे से बेल ली हूँ, देखिए एकदम परफेक्ट शेप नहीं है बट हो गया है, तो थोड़ा और शेप देते हैं। बिना आटे के बेलेंगे तो अच्छे से फूलेगी। इसे गर्म हो गया है, इसमें पूरी डाल दूँगी। ऐसे चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि थोड़ी अच्छे से फूल जाए। टर्न कर लेंगे, माशाल्लाह अच्छे से फूल रही है। और अभी बाकी के अंडे का भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। आटा तो मैंने ली हूँ, अगर यूज़ आया तो मैं यूज़ करूँगी वरना ऐसे ही बना लूँगी। पूरी रेडी हो गई है, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये है ना कड़क हो जाएगी। देखिए अभी कड़क हो चुकी है ऑलरेडी। ऐसे फूल गई ये वाली पूरी। पूरी भी हो गई है, अब बस इतनी बाकी है, बस रेडी हो गया है। तो इसको साइड कर देते हैं। मेरी कुर्ती आ गई है, मैंने ऑर्डर की थी और इसका टाइमिंग बता रहा था थर्सडे, बट माशाल्लाह आज ही आ गई ईद मिलाद में पहनने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी आएगी, बट इंसान की नीयत अच्छी रहेगी ना तो अल्लाह पाक मंजिल ज़रूर आसान करता है। तब इसको अनबॉक्सिंग करते खोलते देखते कैसी है। थोड़ी देर में फातिहा कर लेके खीर पूरी भी रेडी हो गई है। फ्रेंड्स ये गोसरी का ब्रांड ने अन्नी डिज़ाइनर वुमेंस कॉटन ब्लेंड स्ट्रेट चिकन करी एम्ब्रॉयडरी डबल एक्सल मेड इन इंडिया। यहाँ पे भी लेस का वर्क की डिटेलिंग की हुई है पूरी, ये देख सकते हो आप, साइड में भी पूरी लेस की डिटेलिंग है। और ये आया है थैंक यू का कार्ड, मैंने तो मंगाई हूँ अमेज़ॉन से, बट आप कौन से भी ऐप से, फ्लिपकार्ट, मैत्रा, मीशो, जियो मार्ट, सब पे ये कुर्ती अवेलेबल है, बट मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हूँ। मुझे फ्रेंड्स ये कुर्ती 489 रुपीज़ में रिसीव हुई है, देख सकते हो आप इसको। इसके हाथ में भी पूरा फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, हैंड्स में भी पूरा आस्तीन में, और ये नीचे बॉर्डर पे भी पूरा एम्ब्रॉयडरी और साइड में भी पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बैक पूरा प्लेन है, इसका बैक पूरा प्लेन आया है। तभी मैं इसको आपको वेयर करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह शाम को,
और इसके नीचे मैं वाइट प्लाजो पहनूंगी जो मैंने अजमेर शरीफ से ली थी। देखिए ये कुर्ती का फुल लुक, और मैं आपको पहनने के बाद